स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब क्लीन टॉयलेट कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके लिए शौचालयों की ग्रेडिंग हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर पालिका निगम सिंगरौली स्वच्छता सभागार में नगर निगम ने शहरी क्षेत्रों के स्व सहायता समूह, रहवासी समिति, बाजार समिति और एनजीओ हेतु कार्यशाला का आयोजन किया, जहां आयुक्त सतेंद्र सिंह धाकरे के आदेश अनुसार क्लीन टॉयलेट कैंपेन के सभी मानकों हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया गया। स्व सहायता समूहों द्वारा शहर के शौचालयों की ग्रेडिंग की जानी है, जिसकी विस्तृत जानकारी उन्हें दी गई और दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्रेडिंग हेतु बताया गया। उपायुक्त और स्वच्छ भारत अभियान के नोडल अधिकारी सत्यम मिश्रा ने शासन की मंशा अनुरूप समूहों को स्वच्छ भारत अभियान में जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु प्रेरित किया, जिसमें शौचालयों के संरक्षण, संवर्धन, संचालन और सौंदर्यीकरण से लेकर कपड़े के थैले बनाकर व्यापार मंडल के सहयोग से प्रोत्साहित करने हेतु अभियान को गति देने की बात कही गई। वर्तमान में नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा भारत सरकार के गाइडलाइन एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्लीन टॉयलेट कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि शुरू हुआ था क्लीन टॉयलेट अभियान 19 नवंबर से और चलेगा 25 दिसंबर तक। इसके तहत हम लोग जब सभी नगरीय क्षेत्र में स्थित जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनका मरम्मत का कार्य करवा रहे हैं, साथ ही उसके सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। इसमें अभी वर्तमान में गाइडलाइन के अनुसार जो स्व सहायता समूह नगरीय क्षेत्र में हैं, उनको स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने के लिए हम लोग उनको आज वर्कशॉप किए हैं। उसके अलावा उसमें रहवासी समिति के लोग भी शामिल हुए और कई एनजीओ के लोग भी शामिल हुए। सभी ने बहुत उत्साह से उसमें भाग लिया और आगे एक फाइनेंशियल और बिजनेस मॉडल डेवलप करने का प्लान है, जिसमें स्व सहायता समूहों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा और उनका सशक्तिकरण भी होगा। उसके साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन में जो विभिन्न प्रदेशों में अच्छे मॉडल डेवलप किए गए हैं, उदाहरण के लिए अंबिकापुर में कि SHG के सहयोग से अंबिकापुर ने गार्बेज फ्री सिटी का टैग भी प्राप्त किया है, उसी प्रकार सिंगरौली में भी स्व सहायता समूहों के सहयोग से हम लोग नगरी क्षेत्र में स्वच्छता का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उसी के लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंगरौली नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी रहवासियों से और नागरिकों से अपील है कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन के अनुसार सभी लोग अपने आसपास के कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ भी जिनकी जरूरत है और बनाए गए हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। खुले में शौच के लिए कोई भी ना जाए। सिंगरौली को ODF++ का टैग दिया गया है और उसे हमें आगे मेंटेन रखना है और वाटर प्लस के लेवल तक जाना है। इसमें सभी नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है और अभी हम लोग सभी पब्लिक टॉयलेट्स का उपयोग को बढ़ाने के लिए उनका सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, जिससे कि वो एक अच्छा अनुभव सभी के लिए रहेगा। और उसके साथ साथ सभी लोगों को ये भी अपील की जाती है कि अपने आसपास जितने भी प्रकार के स्वच्छता के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो करवाने में नगर निगम की मदद भी करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।